ये शहंशाह अकबर का वो कक्ष है जहां वो अपने नौरत्नों के साथ बैठकर मंत्रणा किया करते थे। आज ये कक्ष एक बार फिर सजा है। ये हैं संगीत सम्राट तानसेन। इनका जन्म ग्वालियर के निकट एक गांव में हुआ था। सम्राट अकबर इनको रीवा नरेश के दरबार से लाए थे। तानसेन जी, कुछ मधुर संगीत सुनाएंगे? हलो गरज कबा चहू रसे उमल गुमल प्रचंड घहराता हलो गरज कबा हलो गरज कबा चहू रसे उमल गुमल प्रचंड घराता हलो गरज कबा जद नांग दमकत दामिनिया मोरा लाल रंग कोयल पुकार पपिया पुकार हलो गरज कबा हलो गरज हलो गरज हलो गरज कबा। आप हैं टोडरमल। टोडरमल अपनी योग्यता के बल पर प्रधानमंत्री पद को पहुंचे। वित्त विभाग में उनका विशेष अनुभव था। टोडरमल साहब, किसानों की जमीन की क्या व्यवस्था है? हुजूर, उनकी जमीनों के नाप बांस के 60 गज जरीब से की जाएगी। क्यों, रस्सी से क्यों नहीं? हुजूर, रस्सी सूखने और गीली होने के बाद छोटी या बड़ी हो जाती है, इसलिए नापने में फर्क आता है हुजूर। और हुजूर, पैमाइश में इलाही गज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नापने का नया पैमाना है। वाह टोडरमल जी, वाह। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी शहंशाह अकबर के शासनकाल के 7 इमामों में से एक इमाम थे। अकबर के इबादत खाने में अनेक मुगल मौलवियों और शेखों को आमंत्रित किया जाता था। इन्हीं में एक थे बदायूनी। बदायूनी साहब, आप हल्दी घाटी की लड़ाई से क्या लाए हैं? दिल्ले इलाही, हल्दी घाटी की जंग से हम महाराणा प्रताप का हाथी लेकर आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है पीर प्रसाद, क्योंकि ये सब कुछ पीर साहब की मेहरबानी से ही तो हुआ है। वाह क्या बात है। शेख मुबारक। अकबर के शासनकाल में शेख मुबारक का मदरसा खूब चलता था। ये अबुल फजल और फैजी के पिता थे। शेख साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? शहंशाह, बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके दरबार की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आपके इबादत खाने की देखरेख कर रहा हूँ और इसके साथ दीन इलाही को भी फैला रहा हूँ। ये है बीरबल। बीरबल का नाम था महेश दास। विद्वान होने के कारण रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया। फिर वो आमेर के दरबार में गए। यहीं से अकबर तक पहुंचे। अकबर बीरबल की वाकपटुता और राजनीतिक चातुर्य से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वो अकबर के विशेष सलाहकार नियुक्त हुए। बीरबल जी, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे होंगे? 165,357 जहांपनाह। और अगर कुछ ज्यादा हुए तो? दावत खाने आए होंगे हुजूर। और कम हुए तो? पास के शहर में दावत खाने गए होंगे हुजूर। आप हैं अबुल फजल। आप फैजी के भाई थे और अकबर के परामर्शदाता भी, कुशल सेना नायक भी। दक्षिण विजय का श्रेय इन्हीं को जाता है। अबुल फजल, दक्षिण की क्या खबर है? असीरगढ़, बरार, खानदेश, बीजागढ़ सब आपकी रियाया हो चुकी है।
अहमदनगर पर चांद बीबी अपने दत्तक पुत्र के साथ राज कर रही हैं और वे बहुत जाबाज हैं, पर हम जल्द ही फतेह हासिल करेंगे। आप हैं राजा मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे और भारमल की पौत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। मानसिंह कुशल सेनापति और योद्धा भी थे। मानसिंह जी, हमारी सीमाओं की क्या स्थिति है? शहंशाह, कबाली जातियों का तो दमन हो चुका है, अफगानियों का विद्रोह दब चुका है, बिहार, बदक्षा, कश्मीर, गुजरात सब जगह आपका परचम लहरा रहा है। कैजी अपनी काव्य प्रतिभा और विद्वान होने के कारण ही अकबर के नवरत्नों में विशेष स्थान प्राप्त कर सके। जीवन यापन भत्तों के निरीक्षण के लिए इन्हें आगरा, कालपी और कालिंजर का सत्र नियुक्त किया गया। जीवन यापन भत्तों के लिए हम आपके सुझाव चाहते हैं फैजी साहब। रोजमर्रा के अलग अलग सामान के दाम तय किए जाएं और इन्हीं दामों पर सामान खरीदा और बेचा जाए। बहुत अच्छा। अब्दुल रहीम खान खाना असाधारण सुंदर तरुण थे, बहुत अच्छे लेखक और कवि भी थे। रहीम को ललित कलाओं से अपार प्रेम था। वो संगीत और कला दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। खान खाना, आजकल आपके कलम की स्याही कहां उतर रही है, कुछ सुनाएंगे? रहमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवेश हुई कहां करे तलवार।